कत्लेआम के खिलाफ मुश्तरका क़यादत ने आज इसमें सईद अली शाह गिलानी साहब, मीरवाइज़ कश्मीर मौलाना उमर फारूक साहब और जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट और जितने भी तहरीक से जुड़ी हुई तंजीमें, उनकी तरफ से ये था कि आज लाल चौक में पुरमन तौर पर इन बदतरीन इंसानी हकूक की पामालियों के खिलाफ पुरमन तौर पर धरना हो। लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ जंगल राज है और इस जंगल राज के जरिए यहाँ अगर लोग कत्ल हो रहे हैं तो उस पर किसी को बात करने की भी इजाजत नहीं, रोने की भी इजाजत नहीं, एहतजाज करने की भी इजाजत नहीं। आज भी आप देख रहे हैं कि फजर नमाज से पहले मुझे इस मस्जिद में पनाह लेनी पड़ी, तब जाके मैं आपसे यहां पर आपके साथ बात कर रहा हूं। और आप देख रहे हैं कि इस मस्जिद को किस तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस के कारिंदों ने घेर के रखा है। मुश्तरका मजामती क़यादत ने यह फैसला किया है कि अगर ये कत्लेआम, ये जुल्म, ये जबर, ये इंसानी हकूक की पामालियां बंद नहीं होगी तो फिर मुश्तरका मजामती क़यादत को लोगों को ये कहना पड़ेगा कि वो एक बहुत बड़ी एजिटेशन के लिए तैयार रहे, क्योंकि हर जगह से सिर्फ नौजवानों की लाशें उठाई जा रही है, जनाजे उठ रहे हैं और यहां उस पर न मातम करने की इजाजत है, न रोने की इजाजत है, न एहतजाज करने की इजाजत है। इसलिए जो लाल चौक में पुरमन धरने के हवाले से प्रोग्राम था, इन तमाम रुकावटों के बावजूद इंशाल्लाह हम लाल चौक की तरह रुख करेंगे और लाल चौक में ये धरना होगा इंशाल्लाह।